इट इज ऑक्सलेट आयन सी टू ओ फोर टू नेगेटिव। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग चल रही है। अगला एग्जाम्पल है हमारा बस एक और सिखाती हूँ अलग का, फिर पूरी रिडॉक्स का एक साथ आपको सिखाऊंगी। देखिए ये आप करो इस बार। SO4 2 नेगेटिव और इससे आप बनाओ SO3 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव से क्या बनाओगे? SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, अब की बार मीडियम चेंज कर लो। इस बार बेसिक मीडियम में है। इस बार मीडियम कौन सा कर लिया बेटा मैंने? बेसिक। अब तक एसिडिक सिखाया, अब मीडियम कर लिया बेसिक और मेथड सेम है आयन इलेक्ट्रॉन। मेथड आपका सेम है आयन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये है सल्फेट एसओ फोर टू नेगेटिव, क्या है सल्फेट, और ये है सल्फाइट एस यू एल पी एच आई टी ई, ये सल्फेट है और ये सल्फाइट है। एसओ फोर टू नेगेटिव सल्फेट होता है, एसओ थ्री टू नेगेटिव सल्फाइट होता है। इस बार बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो करते हैं शुरू। पहले स्टेप तो सेम ही है, चार्ज निकालो। तो आप लोग बताओ मुझे यहाँ एस का चार्ज क्या आएगा, बोलो। प्लस का सिक्स। प्लस का सिक्स, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे एस का चार्ज क्या आएगा बेटा? प्लस का फोर। आपको समझ में आ गया? कितने से डिक्रीज हो रहा है सब बोलो? टू से। सभी बोला करो बेटा, पूरी क्लास, टू से डिक्रीज हो रहा है। तो अब बताओ टू इलेक्ट्रॉन किस तरफ डालू, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में? लेफ्ट। क्योंकि टू से डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो एडिशन होगी इलेक्ट्रॉन की, तो हमने इस तरफ टू इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, हो गया। अब मीडियम कौन सा है इस बार? बेसिक। तो बेसिक में बैलेंस नहीं होता, बेसिक में पहले चार्ज बैलेंस होता है कि दोनों साइड चार्ज बराबर है या नहीं। आप लोग खुद देखो इधर कितना चार्ज है, दो नेगेटिव तो ये है और दो नेगेटिव ये है, टोटल यहाँ पे चार नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ कितना नेगेटिव है, दो ही है। यहाँ पे टोटल फोर नेगेटिव है, यहाँ पे टोटल टू ही नेगेटिव है। तो बताओ नेगेटिव चार्ज किस तरफ कम है? राइट कम है। अब कितना कम है? टू नेगेटिव कम है, तो मैं टू यहाँ पे डाल दूंगी OH नेगेटिव। टू में यहाँ पे क्या डाल दूंगी? OH नेगेटिव। समझे मैंने दो OH नेगेटिव क्यों डाला? चार्ज को इक्वल करने के लिए। वहां भी मैंने दो कर दिए OH नेगेटिव, चार्ज आपका इक्वल हो गया, दोनों साइड चार्ज बराबर है ना। अब आप O एटम को बैलेंस कर लो। तो O एटम लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? फोर है, और राइट हैंड साइड में थ्री तो ये रहे और टू ये, टोटल फाइव है। राइट हैंड साइड में फाइव ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में चार ही ऑक्सीजन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितनी ओ कम है? एक ही ओ कम है ना, एक। जितनी ओ कम है उतने हम क्या डाल देते हैं? H2O। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? H2O। H एटम देखो अपने आप बैलेंस हो गए, H एटम यहाँ भी दो है, H एटम यहाँ भी दो है। तो आप लोग चेक करो ये पूरी रिएक्शन ही बैलेंस होगी। यस मैम, है ना? सब बच्चों को ये समझ में आया? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलिए अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, वो आप लोग करेंगे, ठीक है? बोल दूँ? ये एग्जांपल, यस मैम, ये एग्जांपल है PbO2, बी है ये लेड, इससे बना दो PbOH की होल थ्राइस। PbO2 से क्या बना दो? PbOH की होल थ्राइस, ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। सेम करना है बेसिक मीडियम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, करो बैलेंसिंग। बेसिक मीडियम और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसकी बैलेंसिंग करो। PbO2 से बन रहा है PbOH की होल थ्राइस, ऊपर एक नेगेटिव चार्ज।
करिए बेटा, बाकी मैं रब कर देती हूँ। देखिए बेटा, मैंने आपको ये दिया PbO2, और इससे बन रहा है PbOH की होल थ्राइस नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये PbO2, यहाँ पे लेड का चार्ज है प्लस फोर, मैं निकाल देती हूँ। X हो गया Pb का, एक O का माइनस टू, तो दो O का माइनस फोर हो गया, तो X यहाँ पे प्लस फोर आया। यहाँ Pb का चार्ज निकालो, Pb को X मान लिया, एक OH का चार्ज होता है माइनस वन, यहाँ तीन OH है तो इंटू में थ्री हो गया, और ओवरऑल किसके इक्वल है माइनस वन के, तो X माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन, तो X क्या हो गया टू हो गया, X क्या हो गया बेटा टू, कर लोगे? तो दोनों साइड आपको चार्ज निकालना, तो आई गया यहाँ प्लस फोर है, यहाँ प्लस टू है। ठीक है, अब अगली स्टेप करो, डिक्रीज बाय टू, तो इस तरफ दो इलेक्ट्रॉन डाल दो, डाल दिए टू इलेक्ट्रॉन डाल दो यहाँ पे, अब क्या करोगे बताओ? चार्ज, सॉरी बेसिक मीडियम है, चार्ज बैलेंस करो। यहाँ पे टोटल दो नेगेटिव है, इधर एक ही नेगेटिव है, तो किस तरफ नेगेटिव चार्ज कम है? इस तरफ ना, तो जितने कम है उतने OH नेगेटिव डाल दो। यहाँ टोटल दो नेगेटिव है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे एक OH नेगेटिव डाल दो। डाल दिया, तो अब आप देखो चार्ज भी बराबर, अब O एटम इक्वल करो, O एटम यहाँ पे है थ्री और वन फोर है टोटल, राइट हैंड साइड में टोटल चार एटम है ऑक्सीजन के, लेफ्ट हैंड साइड में दो ही है, तो दो यहाँ पे एच टू ओ डाल दिए, दो यहाँ पे क्या डाल दिए एच टू ओ हो गए, तो एच यहाँ पे चार आए, और एच यहाँ पे कितने है तीन और एक चार है, हो गया ना पूरा बैलेंस। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछिए। नो मैम। चलो ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट दे रही हूँ, नेक्स्ट करना सभी। SnO2 2 नेगेटिव, Sn होता है टिन, SnO2 2 नेगेटिव, इससे आप बना दो SnO3 2 नेगेटिव, सेम है बेसिक मीडियम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बेसिक मीडियम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, करो बेटा कैसे करोगे? मयंक बेटा एक बार आप दिखाओ आपने कैसे किया है, बेटा वन मिनट वीडियो पिन कर लूं मैं आपकी, एक मिनट। SnO2 2 नेगेटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, 2 to 4 नेगेटिव, 2 to 4 नेगेटिव, बेटा बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। बाकी बच्चों को दिखाई दे रहे हैं, एकदम सही किया बेटा आपने, शाबाश, वेरी गुड बेटा। यस मैम। यही आएगा ना? यस मैम, मेरा भी यही है। यही है, वेरी गुड। और कितने बच्चों का यही है? प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। और कितने बच्चों का यही है? सचिन का है, आर्यन का है, प्रिया का है, ओके। रेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्या कर रहे हैं बेटा? कहीं कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो, कहाँ कंफ्यूज होते हो। चलिए अब मैं करवा देती हूँ ये एग्जाम्पल आपको, देखिए ध्यान से। ये है SnO2 2 नेगेटिव, इससे बन रहा है SnO3 2 नेगेटिव, तो आप इसमें करेंगे पहले टिन का चार्ज निकालो X, दो O का माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू, तो X यहाँ पे टू आया, यहाँ बोलो X, तीन O का माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू, X यहाँ पे फोर आया, ये तो सभी कर लेते हो ना, बोलो यस नो में जवाब दो। यस मैम। यस मैम। तो अब इसके आगे आप लोग देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप है प्लस टू से प्लस फोर हो रहा है, दो से इंक्रीज हो रहा है, तो इस बार इस तरफ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है ना। अब बेसिक मीडियम है तो चार्ज बराबर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में दो नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में टू और टू फोर नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में फोर नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में दो ही नेगेटिव है, तो यहाँ दो नेगेटिव और बढ़ाने पड़ेंगे, तो टू में क्या डाल लू,
OH नेगेटिव, चार्ज इक्वल, चार्ज बराबर हो गया ना दोनों साइड। अब क्या बैलेंस करें, O एटम, यहाँ O एटम है 2O2 4, यहाँ O एटम है 3, एक O कम है तो प्लस में एक H2O डाल दूं। अब H एटम यहाँ पे 2 है, H एटम यहाँ भी 2 है, रिएक्शन आपकी पूरी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, एक बार सोनाक्षी बेटा आप दिखाओ कैसे कर रहे हो। सोनाक्षी सुनाई दे रहे हैं, सोनाक्षी आपको सोनाक्षी बेटा एक बार दिखाओ आप वीडियो ऑन करके। शायद नहीं सुनाई दे रहा इसको, तो भी इसकी बैलेंसिंग करने पर ये आंसर आया, आया समझ में। तो अब मैं आपको ना 5-6 एग्जांपल घर के लिए देती हूँ, कल सभी बच्चे करके रखना या करने के बाद मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं है, चलो ठीक है। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, लिख ले सभी बच्चे, मेरे पास भेज देना करने के बाद। पहली है ClO4 नेगेटिव, इससे बना दो Cl नेगेटिव। दूसरा है CrOH4 नेगेटिव और इससे आप बना दें CrO42 नेगेटिव। थर्ड है BiOHT होल थ्राइस, इससे सिर्फ बना दो Bi, बिस्मत। फोर्थ आपका है N2H4, इससे बना दो NO। फिफ्थ लिखो Cl नेगेटिव से ClO नेगेटिव और लास्ट आपकी है I नेगेटिव से I2, I नेगेटिव से I2। ये 7 रिएक्शन है जो आपको बैलेंस करनी है। मैं बता देती हूँ बैलेंस करनी कैसे है, इन सभी को आप बैलेंस करोगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, इन सभी को आप बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से दोनों मीडियम में, एसिडिक में भी करोगे और बेसिक मीडियम में भी करोगे। आपको इनकी बैलेंसिंग दोनों मीडियम में करनी है, एसिडिक में भी करनी है प्लस में बेसिक में भी करनी है, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 7 रिएक्शन है, इनकी आप बैलेंसिंग करेंगे दोनों मीडियम में, एसिडिक में भी और बेसिक में भी। हाँ, 7th रिएक्शन में कोई मीडियम नहीं चाहिए, वैसे ही हो जाएगी क्योंकि इसमें OH का तो कहीं कोई रोल ही नहीं है। बाकी आपको बता दिए हैं, ये आपका होमवर्क है, इनकी बैलेंसिंग आप कर लेना। ठीक है, तो बस कल आपका ये चैप्टर बेटा पूरा ही हो जाएगा, इसमें एक टॉपिक आपका डिलीट हो गया, वो 12th में है आएगा, वैसे 11th में नहीं करना, तो ये चैप्टर कल आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो सबने नोट डाउन कर लिया ये? यस मैम। ठीक है बेटा, तो सब बच्चे ये नोट डाउन कर लो, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बैलेंसिंग करनी है दोनों मीडियम में, एसिडिक में भी और बेसिक में, तो ये आप कर लेना बेटा। ठीक है, और कोई किसी का डाउट है तो बताओ। चलिए ठीक है, फिर मीटिंग को मैं एंड करती हूँ बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।